गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का टॉपिक प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इसका कितना टाइप्स होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल क्या है. देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से समझे कि हमारे हाथ में कोई एक बॉल है और उस बॉल को हम थ्रो करते हैं, या तो किसी घर की छत पर खड़े होकर, या फिर किसी ग्राउंड पर खड़े होकर, या फिर किसी एंगल पर हम उसको थ्रो कर रहे हैं, तो वो जो एक पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करती है, जैसे हमने इस तरीके से फेंका किसी भी बॉल को, तो वो एक पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं. अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ें तो क्या होता है, मीन्स ए बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन. जब कोई बुलेट फायर की जाती है गन से, वो भी एक आपका पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करती है. ए ज्वेलिन क्या होता है, जो कि एक भाला फेंकने वाला होता है. मीन्स आपने एथलेटिक्स के अंदर देखा होगा कि जब कोई भी प्लेयर आपका कोई ज्वेलिन आपका भाला को फेंकता है, तो वो एक भी प्रोजेक्टेड पाथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसे भी हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं. या फिर अनदर एग्जाम्पल की बात करूं, ए बॉम्ब को रिलीज किया जाता है फ्रॉम द एरोप्लेन और विच इज फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, जो फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल को. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल हमारे तीन टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल. हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में आपका क्या होता है कि जब कोई पर्सन आपका किसी भी सर्टेन हाइट पर खड़ा होकर उसे बॉल को थ्रो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल. यानी हमने जो एग्जाम्पल बताया था कि एक बॉम्ब को रिलीज किया जाता है फ्रॉम द एरोप्लेन, यानी हाइट से. एरोप्लेन किस में होता है, हाइट में होता है, और उसी से वहां से उसको रिलीज किया जाता है. दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल. अगर हम बात करें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की, स्टूडेंट्स, मीन्स ये एक ऐसा प्रोजेक्टाइल होता है जब कोई पर्सन या कोई आदमी ग्राउंड पर खड़ा होकर किसी भी चीज को थ्रो करता है, किसी भी चीज को थ्रो करता है, जैसे कि आपका ज्वेलिन आपका किसी भाले को थ्रो करता है, और वो भाला आपका क्या है, एक पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा गेम वगैरह, वीडियो गेम्स वगैरह आपने खेलते हुए देखा होगा, या फिर किसी भी शूटर को देखा होगा, वो किसी भी स्पैरो को शूट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एंगल को तय करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका प्रोजेक्टाइल एट एन इनक्लाइन या प्रोजेक्टाइल एट एन सम एंगल. ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल कहते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक टॉपिक आता है ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, मींस ये एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जो फॉलो किया जाता है प्रोजेक्टाइल के द्वारा, ड्यू टू द फ्लाइट. यानी ये एक ऐसा पाथ होता है जैसे पैराबोलिक पाथ होता है, इस तरीके से या इस तरीके से. ठीक है, ये एक ऐसा पाथ होता है जो प्रोजेक्टाइल के द्वारा फॉलो किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, हॉरिजेंटल में हमने बताया था कि हॉरिजेंटल में सर्टेन हाइट पर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं और वो हिट करती है ग्राउंड पर, तो इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल. और सेकेंड है आपका, जब हम किसी भी ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी इस प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते हैं, ग्राउंड पर खड़े होने के बाद किसी बॉडी को थ्रो करते हैं जो कि पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करती है दूसरे पॉइंट पर, इसे हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कहते हैं. और ये प्रोजेक्टाइल होता है थर्ड, जिसमें हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल एट इंक्लाइन प्लेन. यानी इस प्रोजेक्टाइल में हम किसी एंगल पर किसी बॉडी को थ्रो करते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका शूटर होता है, वो किसी भी स्पैरो को, पेड़ पे बैठी स्पैरो को शूट करने के लिए एक पर्टिकुलर एंगल को फिक्स करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल एट इंक्लाइन प्लेन या फिर प्रोजेक्टाइल एट सम एंगल. ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम डिस्कस करते हैं. देखिए क्या होता है, मींस अब देखिए हम करते हैं आपका हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल. हम इस पी को रिप्रेजेंट करते हैं आपका प्रोजेक्टाइल से. तो देखिए हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में, जैसे कि आपने पढ़ा था कि जब हम